नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुंडी। अरविंद केजरीवाल अपने जिस मंत्री के लिए भारत रत्न की मांग किया करते थे, उन मंत्री जी के शिक्षा मॉडल का ढोल जब फटा तो केजरीवाल के साथ साथ पूरी आम आदमी पार्टी सन्नाटे में आ गई। कोई भी नेता बड़ा खुलासा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस शिक्षा क्रांति का ढोल पीट रहे थे वो ढोल फट गया। जो केजरीवाल दिल्ली के सरकारी स्कूलों को इंटरनेशनल बनाने की ताल ठोक रहे थे, असल में वो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना वोट बैंक भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को बस कुर्सी प्यारी है, सत्ता का सुख भोगना है, उसके लिए वो कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं, भला ही वो बच्चों का भविष्य क्यों ना हो। जी हाँ, दिल्ली सरकार कर क्या रही है वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। केजरीवाल जी शिक्षा नीति का ढिंडोरा पीट रहे थे, उसकी हकीकत ये है कि इस साल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,00,000 बच्चे फेल हो गए, 8वीं में पढ़ने वाले 46,000 से ज्यादा और 11वीं कक्षा के 50,000 से ज्यादा बच्चे फेल हो गए। लेकिन केजरीवाल को तो जेल से सरकार चलानी है और जिन मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग करते थे वो भी सालों से जेल में बंद है और खास बात यह है कि यही महाशय दिल्ली के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। ऐसा केजरीवाल के राज में ही हो सकता है कि फेल होने वाले बच्चों की जो संख्या है वो पास होने वाले बच्चों से ज्यादा है। ये जानकारी खुद शिक्षा निदेशालय ने एक RTI के जवाब में दी। दिल्ली में बच्चों के भविष्य से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है उसे समझने के लिए कुछ आंकड़े भी आप देख लीजिए। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 9वीं की कक्षा में पढ़ने वाले 101,331 बच्चे एकेडमिक सेशन 2023-24 में फेल हो गए, जबकि 2022-23 में 88,409, 2021-22 में 28,531 और 2020-21 में 31,540 छात्र फेल हुए थे। इसके अलावा कक्षा 11 के एकेडमिक सेशन 2023-24 में 51,914 बच्चे, 2022-23 में 54,755, 2021-22 में 7,246 और 2020-21 में कुल 2,169 बच्चे फेल हुए थे। DDA के मुताबिक शिक्षा के अधिकार के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी रद्द होने के बाद एकेडमिक सेशन 2023-24 में 8वीं कक्षा में 46,622 छात्र फेल हो गए, यानी स्कूलों में फेल होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या में साल दर साल इजाफा हो रहा है। ये नो डिटेंशन पॉलिसी क्या है वो भी समझ लीजिए। दरअसल इस नीति के तहत किसी भी छात्र को तब तक फेल या स्कूल से नहीं निकाला जा सकता जब तक वो कक्षा 1 से 8वीं तक की प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता। दिल्ली में क्या कहानी चल रही है उससे आप समझ गए होंगे कि केजरीवाल को सत्ता और सिर्फ सत्ता से प्यार है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने भयावह परिणाम आए क्यों, तो उसका भी कारण देख लीजिए। दिल्ली के स्कूलों में टीचर ही नहीं है, ये बात भी एक RTI के जरिए ही बाहर निकल कर आई। इस RTI में बताया गया कि पिछले 10 साल में 5,747 स्थायी टीचरों ने रिजाइन कर दिया, लेकिन उनकी जगह पर केवल 3,715 पदों पर ही टीचरों को भर्ती किया गया। इसका मतलब सीधा सीधा सा ये है कि 2000 से ज्यादा टीचर कम भर्ती किए गए, और अगर पूरी तस्वीर को देखें तो दिल्ली की परिस्थिति और ज्यादा खराब नजर आती है। दिल्ली में 62,000 टीचरों की जरूरत है, लेकिन 43,000 नियमित टीचर हैं, 13,000 अस्थायी तौर पर भर्ती किए गए हैं, मतलब अभी भी इनमें भी कुल 6,000 अध्यापक कम हैं, और साथ ही इनमें से भी 5,000 शिक्षकों को और कामों में दिल्ली सरकार ने लगाया हुआ है, उनका पढ़ाई से दूर दूर तक नाता नहीं है। तो पढ़ाई कैसे होगी, बच्चे कैसे देश का भविष्य बनेंगे, और बात इतनी भर भी नहीं है, दिल्ली के स्कूलों में 18,00,000 बच्चे पढ़ते हैं और इन सबका भविष्य खतरे में है। स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक मौजूदा शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें पढ़ाने के अलावा उनसे सारे काम करवाए जाते हैं। जब शिक्षक बेमतलब के काम करेंगे तो उसका अंजाम पता है आपको क्या होता है। शिक्षकों को रिजल्ट बेहतर करने के लिए खुद बच्चों की कॉपी लिखनी पड़ती है। 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, टीचर कॉपी लिखते हैं, नेता घोटाले करते हैं। केजरीवाल सरकार पर शिक्षा के नाम पर क्लासरूम स्कूलों के नाम पर 2,000 करोड़ का घोटाला करने का आरोप लगा है, ऐसा आरोप है। लेकिन केजरीवाल तो दिल्ली को लंदन पेरिस बना देने के लिए काम कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता अपने बच्चों के भविष्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ का अरविंद केजरीवाल को क्या जवाब देती है। इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।